आज का पहला शुभ समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से आया है। इस शुभ समाचार का मुख्य पात्र सातवीं कक्षा में पढ़ने वाला नयन सिन्हा है, जिसने प्रधानमंत्री को चिट्ठी के माध्यम से अपनी परेशानी बताई। प्रधानमंत्री ने नयन की परेशानी को समझा और फिर क्या हुआ, उन्नाव से जी मीडिया संवाददाता प्रसून शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक, मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री के इस सेवा भाव की झलक के उन्नाव में चर्चे हैं और हर चर्चा में शामिल है एक नाम, नयन सिन्हा। नयन उन्नाव का ही रहने वाला है, सातवीं कक्षा में पढ़ता है, लेकिन स्कूल तक पहुंचने में नयन को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन्हीं परेशानियों को एक चिट्ठी में लिखकर नयन ने प्रधानमंत्री के पते पर भेज दिया। प्रधानमंत्री ने तुरंत कार्रवाई की, पीएमओ को आदेश दिया कि उचित कार्रवाई की जाए। जी हाँ, 7 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, उसी के बाद हमने 8 तारीख को ये लेटर लिखा था कि यहाँ रेलवे लाइन एक बननी चाहिए। उन्नाव जिले के राजेपुर में रहने वाले नयन ने चिट्ठी में लिखा कि रास्ते में पड़ने वाले रेलवे ट्रैक की वजह से उसे स्कूल पहुंचने में हर रोज परेशानी से दोचार होना पड़ता है। रेलवे ट्रैक पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं उसे डराती हैं। मजबूरन उसे दूसरे रास्ते से स्कूल जाना पड़ता है और लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कभी स्कूल समय पर पहुँचता है तो कभी देर हो जाती है। नयन ने प्रधानमंत्री से गुजारिश की रेलवे ट्रैक को समतल कर उस पर से रास्ता निकाला जाए। जी, हमने ये लिखा था कि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है और हम बच्चों को यहाँ से स्कूल जाने में 1-1.5 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है राजापुर। अच्छा, पता कहाँ से मिला आपको इनका? जी पता नहीं, हमने प्रधानमंत्री नई दिल्ली डाला था लेटर में। अच्छा, उसका जवाब आया? जी। आप खुश हैं उसके जवाब से? जी बहुत। कहाँ से जवाब आया ये? ये DRM लखनऊ से आया है, नॉर्दर्न दिल्ली। नयन की इस पॉजिटिव पहल ने नयन को चर्चा का विषय बना दिया। माता पिता को अपने नयन पर गर्व है। आप इतने डिविजनल इंजीनियर, आपने हमें लेटर लिखा हमारे बच्चे के नाम पे, जो हमें पता चला कि हाँ उस बच्चे ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पत्र डाला है, जितने जवाब में 3 महीने के अंदर उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है। हम लोग बहुत खुश हैं जो मोदी जी ने इसका ऑर्डर करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का आदेश मिला तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेल मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी पाकर रेलवे अधिकारी आनन फानन में नयन के गांव राजेपुर जा पहुंचे। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की जांच पड़ताल की गई। लखनऊ रेलवे मंडल ने जल्द ही नयन की समस्या के समाधान का वादा किया। एक बच्चे ने पीएम साहब को शिकायत में दिखाया है कि ये जो गेट नंबर 31 है ये ऊंचा खाली है और घूम के जाना पड़ता है, अगर उसको सीधा कर दिया जाए तो हमें स्कूल जाने में सुविधा होगी, तो इस मामले पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कार्यवाही जारी है। नयन की परेशानी दूर होगी और साथ ही स्कूल जाने वाले नयन जैसे कई और बच्चों को रास्ता मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कोई भी अपनी समस्या पहुंचा सकता है, जिसके कई रास्ते हैं। प्रधानमंत्री को आप चिट्ठी लिख सकते हैं। पता है वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली, 110011। प्रधानमंत्री तक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pgportal.gov.in के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। तीसरा आसान रास्ता सोशल साइट ट्विटर और फेसबुक है। प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्विटर हैंडल @PMO India है और खुद प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल @NarendraModi है। फेसबुक पेज है fb.com/PMO India। इन सब के अलावा पीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐप भी है, नरेंद्र मोदी ऐप। नयन की रेलवे ट्रैक वाली परेशानी देर सवेर दूर हो ही जाएगी, लेकिन नयन की एक पहल ने देश में स्थित सुदूर गांवों में भी रहने वालों को हिम्मत दी है, हिम्मत देश के प्रधानमंत्री तक अपनी परेशानी पहुंचाने की। प्रसून शुक्ला, जी मीडिया, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। एक दौर था जब प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ये जो फासला है, दूरी है प्रधानमंत्री और आम आदमी के बीच, ये अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये अच्छी बात है।